अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जूमी का तबीयत नरम हो रहा था, तो मैं आज उसको डॉक्टर के पास लेके जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने फ़ोन किया अपॉइंटमेंट के लिए, क्लिनिक बंद था, कहने लगे कि हम थर्सडे ओपन करेंगे। खैर, मैं वही सोच रही थी कि मैं जीवा लेके चली जाऊँ, लेकिन काफ़ी दूर था मेरे घर से, तो मैं सारा प्रेस्क्रिप्शन जो निकाली थी ना, डॉक्टर रेड्डी हमेशा इस सिचुएशन में ना हाइपेनक्लैफ दिया करते थे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह करम है जो मुझे हाइपेनक्लैफ मिल गया। ओरल सस्पेंशन दे रहे थे 2-3 रोज से, लेकिन उसको काम नहीं चल रहा था। हाइपेनक्लैफ जैसे देने लगी और गटवेल का एक डोज दी, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एक्टिव हुई वो, लेकिन पिछले 2 दिन से बिल्कुल वो इतना ज़्यादा मतलब इनएक्टिव हो गई थी और बिल्कुल मुरझा गई थी। खैर, मैं बच्चों को सारा खाना खिलाकर उनको सेट करके मैं निकली घर ढूंढने। दोपहर का वक्त बेस्ट रहता है, जोर पड़ के मैं निकली थी और इस बार मैं वेस्ट के तरफ आई। मेरे पड़ोसी कहने लगे कि जितने सारे रेडियस के अंदर, हमारे रेडियस के अंदर टूलेट्स हैं, हम सब मिलके कॉल करें, तो उन्हें लग रहा है कि डिमांड बहुत हाई है। जो 12,000 का है उसको 16,000 बता रहे, जो 9,000 का है उसको 14-15,000 करके ओनर्स बता रहे। तो इससे बेहतर होगा कि आप थोड़ा दूर की तरफ जाइए, एटलीस्ट 2-2.5 किलोमीटर जाइए और वहाँ पे जाके देखिए, क्योंकि अभी लोग जितना कोशिश करें, क्योंकि ये जो एरिया है जो 5-7 साल से रह चुके, उनके लिए कन्वीनियंट हो गया, वो चाहेंगे कि उनको करीब घर मिल जाए। तो आप एक काम करें, आप थोड़ा दूर निकल जाए। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी, वेस्ट की तरफ गई थी और ये वाला रूम देखी, ये 2 BHK था, लेकिन इसमें सिर्फ 1 बाथ था। और कल या परसों मैं 1 BHK देखी थी जिसमें 2 बाथ था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो थोड़ा सेकंड फ्लोर में था। खैर, मैं देख ली, ये कहने लगे कि ये मेरा पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग बनाए थे, लेकिन ये किचन भी खाली था। अभी तक जितने सारे ओनर्स क्या कर रहे हैं ना, और जो सेंट्रल बैंगलोर में जो रेट्स चल रहे हैं, और वो रेट्स में इन लोग अभी घर दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमेशा सेंट्रल बैंगलोर से साउथ बैंगलोर बहुत ही कम रहता है। मतलब वहाँ पे अगर 12,000 आपको मिलेगा सेंट्रल बैंगलोर में, यहाँ पे वही घर फर्निश्ड आपको 8,000 में मिल जाएगा, क्योंकि ये मतलब उतना ज़्यादा पॉश एरिया नहीं है। तो खैर, मैं देख ली, उनको बोल भी दी कि मैं आपको बताती हूँ, और वहाँ से निकल के मैं दूसरे तरफ आई। चलते चलते मुझे और 2 लेट्स बोर्ड्स दिख गए, तो वहाँ पे जब मैं कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी किली नहीं है, हम बाहर हैं, आप कल आ जाइए। और दूसरे वाले वो भी मैं देख ली, वो इंडिपेंडेंट था बिल्कुल, मतलब एक विला टाइप था, नीचे घर था, एक रूम था और ऊपर 2 BHK था, और ऊपर एक टेरेस में एक कोई रहता है, वो 1 आर के था। अच्छा था वो घर, मुझे वो अच्छा भी लगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था, यहाँ पे मुझे किटीज़ मिल गई उसके वही घर के आगे। ये वाले गेट वाले बोले कि आप कल आइए, लेकिन जो मैं दूसरे वाला घर देखी ना, वो बहुत ही अच्छा था, ओनर भी बहुत अच्छे थे। फुल ऑन आज देख रहे हैं, फुल ऑन, जितना ब्लॉक्स जितना थोड़ा दूर आकर, लेकिन एक तो वॉशरूम किचन के अंदर खुलता है, वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अच्छा रूम, बहुत ही अच्छा है, मैंने उसका वीडियो नहीं लिया, बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा घर है, लेकिन वॉशरूम का जो गेट है वो किचन का अंदर खुलता है, किचन के अंदर। देखती हूँ, अल्लाह कहीं ना कहीं तो मिलवा देगा इंशाल्लाह। वापसी में मुझे, मैं नारियल पानी ले ली, मुझे बहुत थकावट हो रही थी और मेरा गला भी सूख गया था, क्योंकि मैं बॉटल ले जाना भूल गई थी, और बहुत ही अच्छा नारियल पानी था, फुल गंजी वाला था, मतलब मलाई वाला। शाम के वक्त मैं दोबारा निकली, करीब 7:30 बजे मेरे पड़ोसी कहने लगे कि 2-4 ब्लॉक्स छोड़कर वो लोकेशन दे दिए, 1 BHK है,
ग्राउंड फ्लोर में, मैं फ़ौरन निकल गई, लेकिन वहाँ पे पहुँचते मुझे वो गली के अंदर मैं जा नहीं सकी, इतना ज़्यादा अंधेरा था और बहुत सारे कुत्ते थे वहाँ पे। मेरा हिम्मत नहीं हुआ, मैं सोची मैं कल आऊँगी, कल तो नहीं आऊँगी, इंशाल्लाह परसों आऊँगी। इंशाल्लाह मैं जुमेरात को रोज़ा रखूँगी, तो मैं थोड़ा बहुत मैं फातिया का सामान ले ली और खजूर भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं ये सोचने लगी कि कल मैं कहीं नहीं निकलूँगी, कल एक दिन मैं रेस्ट करती हूँ, जुम्मा के रोज़ से फिर इंशाल्लाह ताला ढूँढने निकलूँगी, कि अभी कम से कम और हफ्ता 10 दिन हाथ में वक्त है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ पर इंशाल्लाह कन्फर्म करते हैं। माशाल्लाह सब बच्चे का खाना हो गया था और उन लोगों को मैं सेट कर दी, फिर मैं किचन आई। और अभी आपने ये दो स्क्रीनशॉट देखा धमकी वाली, ये शाम को आया था मुझे, मैं जब घर ढूंढने निकली थी वॉइस कॉल था मेरे लिए जो मैं मिस कर गई थी, वापस जब मैं फ़ोन चेक की तो देखी वॉइस कॉल मिस्ड है और दो मैसेज है कि घर खाली अब भी करो वेकेट नाउ। मैं जब उनको कॉल की, कौन है ये, मैडम है जो इंचार्ज है, जब मैं उनको कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं
रिसीव किया और मैंने जब उनसे पूछे कि आपका क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे विकेट नाउ, क्या मतलब है आपका, तो वो कहने लगी आपका जो 3 महीने का डिपॉज़िट है वो ओवर हो गया है, इस महीने का जो आपने पेमेंट नहीं किया और पिछले 1 महीने का जो पेमेंट आपने नहीं किया था, तो ये 2 महीने का हो गया और बाकी जो पैसा है वो पैसा हम मेंटेनेंस चार्ज ले लेंगे। मैंने उनसे पूछा क्या मेंटेनेंस चार्ज, हाँ वो एक लेडी आती है जो महीना में सिर्फ 1 बार या 2 बार आके सीढ़ियाँ और लाउंज साफ करके जाती हैं बस, और बाकी क्या चीज़ का है, पेंटिंग का है, आप गीज़र यूज़ कर रही हैं, फ़ैन यूज़ कर रही हैं, स्टेयरकेस का बल्ब यूज़ कर रही हैं, तो ये सब भी आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज का तो कुछ भी अग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है, पेंटिंग का लिखा हुआ है कि आप जब छोड़ रहे हो तो पेंटिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप ये अलग से मेंटेनेंस चार्ज क्यों पकड़ रहे हो, और आप जब जुम्मे के रोज़ आप सिग्नेचर करवा के लेके गई, आप तो ये नहीं बोला कि आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, आप क्या बोल के सिग्नेचर ली, मीठा मीठा बोल के ली, नहीं आपको 20 तारीख के अंदर छोड़ना पड़ेगा और ये बिल्डिंग डिमोलिश होने वाला है। अगर ये बिल्डिंग डिमोलिश होने वाला है तो फिर पेंटिंग का और रेनोवेशन का क्या हम देंगे, क्लीनिंग का क्या हम देंगे चार्जेस, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, बस आपने बोला और हम तोड़ के दे दिए, क्या चीज़ का धमकी भाई, आप क्या यहाँ पे मतलब सबको धमकी देने के लिए बैठे हो, क्योंकि आप इंचार्ज हो, उनसे बोलो कि आप दीजिए मैनेजमेंट का नंबर दीजिए, ओनर का नंबर दीजिए, तो कहने लगती है मैं डिसीशन मेकर हूँ, ओनर ने मुझे डिसीशन मेकिंग का हक दिया हुआ है। अगर आपको हक दिया है पहले आप तमीज़ से बोलना सीखिए, पहले आप इंसानियत से बोलना सीखिए, आपको तमीज़ नहीं है, आप उखड़ के बोलते हो, आवाज़ इतना ऊंचा करके बोलते हो फ़ोन पे, और सामने जब आते हो सिग्नेचर करवाने आए थे तब तो मीठा मीठा बोल के चले गए, अब हम देखते हैं कि मेरे से कौन पैसा निकलवाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप डिमोलिश का वक्त अगर आप 20 तारीख का पहले खाली नहीं करेंगे तो डिमोलिश वाला आके आपको धक्का मार के निकालेगा। भाई क्यों धक्का मारेगा, क्यों धक्का मारेगा, किसका राज चल रहा है यहाँ पे जो धक्का मार के निकालेगा। मैं बोली ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ जितना जल्द से जल्द हो, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मैं ये चिक 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 करने वाला जगह में से जितना जल्द निकल सकूँ वो मेरे लिए बेहतर होगा, और कोई भी डिमोलिश वाला आएगा आप मैं पैसा नहीं दूँगी धक्का मारने के लिए, आने दो बात करते हैं, कहाँ पर धक्का मारेगा, किधर को धक्का मारेगा, आने दो भाई, घर से निकालेगा, फ्री में बैठे हुए आपके पास मेरा डिपॉज़िट नहीं है। आप इतना चढ़ के बोलती हैं ना कि आपके ऊपर से कोई मुसीबत शायद कभी नहीं गया या कभी ना जाएगा, हमारे ऊपर मुसीबत आया हुआ है, हम इसका फेस करें और इंशाल्लाह ताला ये वक्त कट जाएगा, शायद आपके ऊपर नहीं आएगा। आप ये सोच के बैठी हुई है ना कि आप मैनेजमेंट का डिसीशन मेकर बैठी बन के बैठी हुई है, आप पे कोई मुसीबत नहीं आएगा, मुसीबत जब आता है ना तो बोल के नहीं आता है, खैर आपको एहसास नहीं होगा, आप इसी में खुश रहिए, आप इसी में खुश रहिए कि आपको दूसरे को धक्का मार के घर से निकलवाना है और बेवजह पैसा लूटना है, है ना। 3 महीने का अग्रीमेंट में लिखा हुआ 3 महीना पहला आपको बोलना है अगर घर खाली करो, आपने 1 महीना टाइम में बोला कि घर खाली करो, ठीक है, और उसके बाद आप बोलिए कि डिमोलिश होने वाला है लेकिन आपको क्लीनिंग चार्ज देना पड़ेगा, आपको पेंटिंग चार्ज देना पड़ेगा, 10,000 क्या 10 पैसा भी इंशाल्लाह नहीं दूंगी। किसको बोलना है आप बोलो जाके, आप हमेशा सीना जोरी करते हो ना, हाँ आप क्या समझ के रखे मैं सिंगल रहती हूँ कि मैं आप जोर दिखा के चले जाओगे, धमका के चले जाओगे, आप चौड़ा होके आओगे बोलने के लिए, मैं 100 दुगनी चौड़ा होके आपको जवाब दूंगी। मैं जितना मैं तमीज़ से बात की हूँ, जितना लायजा से आपसे बात की हूँ, जब मैं आपसे मिली थी ना आप बहुत बदतरीके से बात किए हैं। मेरे मैसेज और रिकॉर्डिंग भेजने के बाद वो मैसेज की मुझे रिकॉर्डिंग भेजी, मैं बस थोड़ा कम तन के वो बोली और उसके बाद वो और मैसेज नहीं की। जब मैं बोली कि जब मैं जितना कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं ये जगह खाली कर दूँ, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मैं कोई भी त्यौहार हो किस किस से मैं शुरू नहीं करना चाहती हूँ, जहाँ पे कोई चिक चिक होता है, कोई रिश्ता हो या कोई जगह हो उसका बरकत चले जाता है। जूमी को मैं दवाई पिला दी और मेरा खाना भी रेडी हो गया था माशाल्लाह, देखिए सांभर कितना अच्छा लग रहा है।